देवी जी, आपके स्वागत में पेश है ये टमाटर, ले 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 लीजिए। जाने मेरी जाने मन ये ये बचपन, कोई बचपन संकोच है। नहीं, जो पसंद है उसका भोग लगाओ, मौज करो। नर्मदे और सीताराम, हम इस वक्त हैं मांडव में, नर्मदा परिक्रमा जी के 47वें दिवस, माँ नर्मदा की परिक्रमा के 47वें दिवस हम मांडव पहुँचे हैं। रात्रि काल का जो भोजन है बाबूजी के घर में है, बाबूजी के जो पुत्र हैं, बाबूजी बालक का नाम क्या है? विकास, विकास यादव विकास जी। तो उनका हमारे पास फ़ोन आया था कि आप घर पर आएँ रुकने का। तो खैर मंदिर में रुके हुए हैं, घर में भी रुक सकते थे लेकिन मंदिर में रुका हूँ कई लोगों के साथ, पर भोजन के लिए हम यहाँ आए हैं। और सबसे सबसे मज़ेदार जो मेरा अनुभव है, वही छुंडे 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 बच्चा लोग, देखिए बच्चा है उधर, ये कितनी प्याली है, आहा मज़ा आ गया। इन लोगों के देख के ना ऐसे करेजा तृप्त हो गया। ठीक है, अब आपका काम खत्म हो गया, आपका छुंदे छुंदे शकल सबको दिख गया। ठीक है, अब भोजन के प्रोसेस में हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले बाबूजी से कुछ जानते हैं। आप नर्मदा मैया की परिक्रमा 2 बार किए जी हैं, जी जी कैसा अनुभव रहा है? इतना अनुभव रहा कि माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है हाँ कि देखो, जो आया है उसको तो जाना है, जाना है। पर तकलीफ उठा के ना जाए वो हाँ सबसे बड़ा पुण्य है। राइट। मेरे पिताजी 2 दिन के लिए, उनकी परिक्रमा ले गया था, उनको परिक्रमा करवा के लाया। 1999 में उनको थोड़ा सा बुखार आया। मैंने कहा कि पिताजी चलो दवा खाने चलते हैं। देखिए, नहीं बेटा मुझे कहीं नहीं जाना है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये छोटी छोटी बच्चियाँ थी दो, मेरी मेरी बिटिया, एक का नाम उनसे क्या दीक्षा, वो एक का नाम शुरू दीक्षा है, एक का नाम संजना है। ये दो लड़की छोटी छोटी थी, मैंने एक जा होता बेटू, उनने उनके दादाजी को बिस्कुट खिलाया है। था। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इनको मुंह में चम्मच से पानी पिला दूँ। मैंने उनको, मैं चम्मच बुलवाई घर से अंदर से, और मैंने उनको जब पानी पिलाने लगा, एक घुट गया, दूसरा बूंद गया, और तीसरे बूंद में मेरे को देखते रहे और वो चले गए, मेरी गोद में उनके प्राण निकल गए। वाह, क्या ये एक अच्छा जीवन रहा जब आपको जिसने जन्म दिया, जी 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 हाँ, उनके यात्रा पूरा होते समय आप उनके पास थे। और आप बता रहे थे कि अम्मा, हाँ, आप मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी ने भी नर्मदा की परिक्रमा की, उनके साथ उनके साथ, कोई मेरे साथ वो भी, जन्मान थी? हाँ, दो ही आँख से एक ब्राह्मण माता राम थी, हमारे पिताजी की दोस्त की पत्नी थी, वो भी ब्राह्मण, तो माता रामी हुई हमारी भी। उनको दो ही आँख से नहीं दिखता था। तो सब मिलके मैंने, एक संत भगवान आए थे यहाँ पर, उनने कहा कि हमको परिक्रमा करवा दे पवन गाड़ी से। तो मैंने कहा ठीक है भगवान, हम चलते हैं। तो मेरा एक सौभाग्य रहा, थोड़ा इधर आइए, इतना सौभाग्य बस रहा कि दो मिनट मेरे थोड़ा मेरे जो माता पिता हैं और वो जो पति पत्नी दो ब्राह्मण थे, बैठिए। उनको मैं लेके हाँ परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला ठीक मेरे को। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मैं इनको, मैं घाट घाट पे नहलाऊंगा पवन, और इनको अपना सब व्यवस्था इनकी करेंगे, तो कोई राइट। टेंशन करने वाली बात नहीं है। तो प्रभु की ऐसी माया रही कि वो मम्मी ने हमारी, बड़े हमारी माता राम ने उनकी सेवा की, और जब अंत समय आने लगा तो वो भी हमारे सास ससुर को उनने भोजन बना के खिलाया, और वो गुजरात जा रहे थे तो उनने कहा कि इसको मैं, हम पूरी बनाई थी तो पंखे में उनने सुखाने के लिए ठंडी कर दी, उसमें रखने रखे और गए। थोड़ा आगे निकले और मालूम पड़ा कि माता राम ऐसी बैठी थी कि वो हमारे बीच समझी गए, वो ऐसी गिर गई। तो हमारी संजना, मेरी बिटिया है, उनने कहा, और मम्मी मम्मी दौड़ 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 दौड़, इधर तो भाई गिर गई के। तो मैं, उसके पापा अंदर बाथरूम में नहाने गए थे, वो जैसे निकले देखा और उठाया तो माँ चली गई ऐसी किसी गोद की गोद में, हम दो ही भाइयों की गोद में। और वो जो पहलू आप बता रहे थे कि आपकी मम्मी, वो जो ब्लाइंड अम्मा थी, उनको साथ साथ नहलाना, हाँ, सेवा दुलाना करना। साहब बिल्कुल सेवा की उनने मेरी माता राम ने, और उनने तो, मैं बड़ा धन्य हूँ कि कम से कम उस दवा खाने हो के मुँह नहीं देखे वो, जिनको जाना सबको है, जो आया है उसको तो जाना है, राजा रंग फकीर है ना, इसलिए मैं तो बड़े धन्य जी। एक और हूँ। बात आप बताए थे, मैया की बगिया का आपका हाँ, अनुभव। माँ की बगिया में, और माँ की बगिया एक बांस की बनी हुई थी, और छोटी सी बगिया बनी और थी किस समय आपने किया था? 1995 में, तो उस समय तो इतना व्यवस्थित और बड़ा संसाधन। जंगल था, बड़ा, अरे सहस्त्र धारा, दूध धारा, इतना जंगल की अपने को डर भी लगे, जानवर भी आ जाए उस समय, ऐसा ऐसी लीला थी। अब और इतना हम व्यवस्थित सब नहीं, साधु संसाधन, संत, साधु संत के, हाँ, साधन नहीं थे बापू, इतने अलग अलग हाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो आश्रम हाँ अब वो है नहीं वो थे, नहीं नहीं थे। थे, नहीं थे, बहुत वो था। पर हाँ,
सेवा करते थे हम। कई किलो का पीछे बैग लेके चले थे आप, जैसे मतलब कंबल और? नहीं वो हम मैं गाड़ी से गए थे। अच्छा, हम गाड़ी से गाड़ी से गए थे हम लोग। तो माता पिता बुजुर्ग थे तो उनको तो गाड़ी से भी ले जाना था, तो हमने उस समय 95 में कभी उस गाड़ी की खाली उसके कितने 5,000 रुपए बने थे उसके, 5,500 रुपए का घूमने का सबका मिला के उसकी गाड़ी के 5,500 रुपए लगे थे किराया। बड़ी गाड़ी थी। कई लोग रहे होंगे, 8 जने थे उसके अंदर। दो मेरे माता पिता, आपके हिस्से में 5,000 और बाकी और भी 5,000 दिए होंगे। 8 जने थे हम लोग, सब लोग सबने मिलके, मतलब हमने उस समय उसका किराया 5,000 रुपए हुआ था गाड़ी वाले। हो गया हाँ, वो खर्चा पानी जो नर्मदा मैया ने दिया हमारा। 5,000 बहुत होते हैं, 95 में 95 में 5,000 बहुत है। ठीक है, तो खैर ये हमारा सारा देख रहे बाबूजी अब अपने स्मृतियों में जा रहे थे, कितने कितने बच्चे की तरह से चहक चहक के सारी बात बता रहे हैं। वो पल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और बाबूजी का एक टी शॉप है जहाँ पर, दुकान का नाम ही देवता टी स्टॉल। हाँ, देवता की ऐसी कृपा है। और जहाँ रुके मंदिर में श्री राम मंदिर, श्री राम चतुर्भुज मंदिर, तो उसके साथ में ही है। और जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको चाय पिलाना, दिल से चाय पिलाना सब। पीछे विकास जी बैठे हैं जिनसे हमारी फेसबुक पर दोस्ती हुई। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन के अंदर विचार है, कुछ भी प्रवचन विकास जी नहीं करेंगे। और ये हमारी नन्ही दोस्त बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। ठीक है, तो आप खूब सुखी रहिए, इनकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी है, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मम्मी को तंग नहीं करिएगा। ठीक है, और उधर दीदी बैठी हुई हैं विकास जी की बहन। नमस्ते, नमस्ते। तो दीक्षा भैया की मम्मी। हाँ भैया की मम्मी, हमारी भैया की मम्मी, हमारा भैया की मम्मी कौन देखो अभी आएगी। ओ नमस्ते 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 माँ जी। तो आप अपनी दुल्हन को बुला लीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ वो सब आ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, फैमिली हो जाएगी। हाँ फैमिली हो जाएगी, बहुत अच्छा लगा। हमारे अंदर की आत्मा ऐसी होगी कि ये सदा हमारे पास ये रहेगा। नमस्ते, थोड़ा बैठिए ताकि कैमरे में नजर आए। बेटा भोजन उधर। जय हो, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नर्मदे हर मार गंगे हर जटा संगरी हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये सारी बातचीत आपके साथ साझा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि यहाँ इंटरनेट वीक था इसलिए मैंने वीडियो शूट किया। और भोजन अभी हमारा लग चुका है, तो हम सब भोजन करेंगे और फिर इसके बाद जाएंगे, तो थोड़ा सत्संग होगा मंदिर परिसर में। अभी के लिए इतना ही। सीताराम नर्मदे हर नर्मदे हर। अरे बाबा, भोजन पालो।